मुख्यमंत्री निवास में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का महामिलन हुआ। बैठक में लगभग 3,000 मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संत रविदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का महामिलन हुआ। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के आष्टा विधानसभा प्रभारी राजेश शिरोडकर ने बताया कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव के नेतृत्व में इस बैठक में पूरे प्रदेश से 3,000 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज का 51 किलो की पुष्प माला से स्वागत किया गया है। मोर्चा प्रभारी राजेश शिरोडकर ने मुख्यमंत्री को आगामी चाय पर चौपाल संवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और उसके अंतर्गत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आष्टा विधानसभा आमजन का परिचय कराया जाएगा एवं जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं उन्हें इसका लाभ दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस मोर्चे के सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस जो भ्रम फैलाने में माहिर है उनके करतूतों का मोर्चा प्रभारी घर घर जाकर बताएं। अजय मोर्चा के प्रदेश की बैठक रखी गई है, उसमें सभी अनुसूचित जाति के एमएलए, प्रजा के एमएलए, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सभी संगठन के पदाधिकारी जिले से लेकर प्रदेश से लेकर मोर्चे के यहाँ पर सब सम्मिलित होने आए हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।